कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं, तिहारी जाना है। तिहारी जाना है, टिकट कराए हुए हैं लेकिन पोजीशन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। कहाँ जा रहे हैं? सहरसा। सहरसा जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सर नमस्कार, कहाँ जा रहे हैं? छोड़े जा रहे हैं। समस्तीपुर। हम तो आपके बहुत बड़ा फैन है। कहाँ जा रहे हैं? मधेपुरा जा रहे हैं। मधेपुरा कहाँ जा रहे हैं इनका जी? ट्रेन जा रहे हैं। बक्सर, बिहार। कहाँ जा रहे हैं? सीतामढ़ी मनीष। कहाँ जा रहे हैं? बिहार। कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सिंगल लाइन। लखनऊ। लखनऊ कहाँ जा रहे हैं? सिंगल लाइन। नकदियागंज। कहाँ जा रहे हैं? नरकटिया। कहाँ जा रहे हैं? मनीषिया। बिहार। बिहार कहाँ जा रहे हैं? बेतिया। कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं। बिहार जा रहा सर। ट्रेन में टिकट है? हाँ सर है। कहाँ जा रही हैं दीदी? बिहार। बिहार कहाँ जा रही हैं? गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ जा रहे हैं? बिहार। बिहार कहाँ जा रहे हैं? बिहार। कहाँ जा रही हैं? उत्तराखंड। कहाँ जा रही हैं? बिहार। बिहार कहाँ जा रहे हैं? बिहार। बिहार कहाँ जा रहे हैं? बिहार। कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं, छठ पूजा। कहाँ जा रहे हैं? बिहार सर। अच्छा, छठ पूजा करने के लिए बिहार करने जा रहे हैं सर? इतना भीड़ में? इतना भीड़ में जाना पड़ रहा है। हम लोग का बहुत बड़ा पर्व है छठ पूजा का, तो हम लोग बहुत मान सम्मान से करते हैं ये पूजा जी। ओके, लेट जा रहे हैं थोड़ा सा। टिकट उकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहाँ जा रहे हो बाबू? बिहार। अच्छा, उसमें क्या भर के? इसमें मिठाई उठाई है। चाचा कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं। कौन सा ट्रेन? हम सफर। चलिए, कहाँ जा रहे हो बाबू? बिहार सर। बिहार कहाँ जा रहे हैं? बिहार। कहाँ जा रहे हैं भैया? नमस्कार, बिहार जा रहे हैं। बिहार कहाँ जा रहे हैं? बिहार। बिहार जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? छठ पूजा बिहार। कहाँ जा रहे हैं? मैं मम्मी पापा को लेने आया हूँ। मम्मी पापा को लेने आया। कहाँ जा रहे हैं? योगी नगरी, गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ जा रहे हैं? बिहार। कहाँ जा रहे हैं? बगान जा रहे हैं। बगान जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? बगान। बगान बिहार। कहाँ जा रहे हैं? चल बा तू, बेतिया। हाँ बेतिया। कहाँ जा रहे हैं भैया? बिहार जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बेतिया। कहाँ? बिहार। बिहार जी, जय हिंद। कहाँ? बिहार। बिहार बेतिया। नालंदा जिला। नालंदा जिला जी। बिहार जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बेतिया। 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 बेगूसराय। बेगूसराय। अच्छा, ट्रेन का टिकट हुआ है कि नहीं आप लोग का? हो गया सरकार, आपका बहुत फैन हूं मैं बहुत। कहाँ जा रहे हैं लोग आप लोग? सर एक फोटो। कहाँ जा रहे हैं आज आप? दिल्ली को रेल लेके आ गए? नहीं 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 नहीं, कहाँ जा रहे हैं? बिहार मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर कहाँ जा रही हैं? बिहार मुजफ्फरपुर। बिहार मुजफ्फरपुर कहाँ? बाजपुर। कहाँ? बाजपुर जा रहे हैं। कहाँ? बिहार। बिहार ये सभी लोग जो है बिहार जा रहे हैं, और इस उम्मीद से बिहार जा रहे हैं कि इस बार जो छठ पूजा है हम लोग अच्छे से करेंगे, और जब वापस आएंगे तो ट्रेनों में भीड़ नहीं होगा। लेकिन ये ट्रेनों में हर साल छठ पूजा के अवसर पे, दीपावली के अवसर पे, दशहरा के अवसर पे, या किसी भी प्रकार के फेस्टिवल के अवसर पे भर भर के जाते हैं, बड़ी मजबूरी में जाते हैं, मुश्किल से जाते हैं। क्या नाम है आपका? कामेश्वर राउत। कहाँ जा रहे हैं? मोतिहारी। मोतिहारी कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ट्रेन में अब गुटखा लेके मुंह में जा रहे हैं, थूकिएगा कहीं इधर उधर, कैसे अच्छा लगेगा? इधर उधर तो नहीं। कम से कम आप लोग जो है ट्रेनों में जाते हैं तो गुटखा मत खाया कीजिए और इधर उधर मत थूका कीजिए। क्या नाम हुआ? भोला कुमार। कहाँ जा रहे हैं? बिहार। बिहार कहाँ जा रही हैं? मोतिहारी। मोतिहारी जा रही हैं बिहार। चलिए, ये सभी लोग बिहार जा रहे हैं, और इसमें 99% लोग जो है वो बिहार के ही हैं, और इन्हें उम्मीद है कि ट्रेनों में टिकट मिल जाए, सीट मिल जाएगा, लेकिन 72 लोगों के जगह पे 1,000 लोग बैठ के जो है वो बिहार जाएंगे, और बड़ा मुश्किल से बिहार जाएंगे, हर एक समस्याओं को झेलते हुए बिहार जाएंगे, और बिहार जाने के बाद जो है ये सब कुछ भूल जाते हैं, और जातिवाद नामक जहर अपने दिमाग में ऐसा भर लेते हैं कि जाति के नाम पे नेताओं को वोट देते हैं, और यहाँ पे सभी लोग बिहारी कहलाते हैं, यानी बिहार से बाहर सभी लोग बिहारी हैं, और बिहार के अंदर जाते ही जातिवाद नामक दलदल में फंस जाते हैं, और गलत नेताओं को वोट दे के अपना खुद का भविष्य बर्बाद करते हैं। और ये रेलवे स्टेशन पे बिहार के हर एक जाति के लोग हैं जो अभी परेशान हैं और बिहार जाने के लिए मजबूर हैं, और जिन्हें उम्मीद है कि ट्रेन में सीट मिल जाएगा, लेकिन बड़ा मुश्किल से भी सीट नहीं मिलने वाला है। सही है कि नहीं भाई? हाँ सही है। सही है ना? एक सीट पे जो है 20-20 आदमी बैठ के जाते हैं, एक बोगी में जो है 1,000 लोग बैठ के जाते हैं, और सीट तो दूर की बात है, यहाँ तक कि शौचालय में भी बैठना पड़ता है, और गेट बंद हो जाता है तो गेट के बाहर खड़े रहते हैं, और गमछा से जो है उसके इसको बांध के जो है हैंड रेस को बांध के जो है और बिहार चले जाते हैं। ज़रा सोचिए, जब बिहार के बाहर आप लोग इतना कष्ट झेलते हैं तो उस बिहार को फिर से बिहार बनाने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? जो मौर्य काल में बिहार था, जो श्री कृष्ण बाबू के समय में बिहार था, 1961 में बिहार इस देश का नंबर 1 राज्य था, नंबर 1 राज्य। तो आखिर बिहार को हुआ क्या? बिहार क्यों बर्बाद हो गया?
बस विनती है बिहार के भोले भाले लोगों से कि हो सके तो बिहार को बदलने के लिए कोई भगवान बाहर से नहीं आएगा, कोई नेता बाहर से नहीं आएगा, बिहार को हम बिहारी ही बदल सकते हैं और सबको प्रयास करना होगा। और जिस दिन ये सभी लोग प्रयास करना शुरू कर देंगे उस दिन जो है हमारा भी बिहार बदल जाएगा और फिर बिहारी शब्द गाली नहीं रहेगा, बिहारी शब्द स्वाभिमान का प्रतीक हो जाएगा। बाकी आनंद विहार रेलवे स्टेशन से इन सभी बिहारी भाइयों के बीच से हमारा ये प्रयास छठ पूजा के अवसर पे बिहार जो जा रहे हैं लोग उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।